अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको आपकी ज़िंदगियों में खुश आबाद रखे। तो आइए हम आज की अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है देगी पुलाव, चना देगी पुलाव। तो आइए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो एक खुले मुँह की आप देच के ले लें, उसके अंदर कुकिंग ऑयल मैंने थोड़ा सा डाल लिया है, थोड़ा सा और ये मैं ऐड कर रही हूँ, कुकिंग ऑयल ऐड कर दें। डिपेंड करता है आपकी चावलों की क्वान्टिटी पर कि आप कितने क्वान्टिटी में चावल बना रहे हैं। मेरे पास 2 कप चावल हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह, जैसे ही इसके अंदर हम प्याज मैंने डाला है ऑयल में, इसके अंदर मैं साबुत खड़े गरम मसाले डालूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़ीरा इसके अंदर मैं डालूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने इसी तरीके से सब आपने ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आपको टेस्ट बिल्कुल चेंज आपको मिलेगा, जैसे देग का होता है। एक अदद बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची, लौंग 2 से 3 दाने लौंग के, और इसके अंदर अब मैं डालूंगी दालचीनी। प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो रहा है जैसा कि आपके सामने। बिस्मिल्लाह, इसके अंदर कुटी हुई अदरक मैं ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर हम इसको शुरू में ही ऐड कर देंगे तो अदरक जो है वो जल जाएगा। आप जूलियन कटिंग में भी आप डाल सकते हैं। मैंने इसको हल्का सा कुंडी में कूट लिया है। मसाला जब आपका ये ब्राउन आप कर रहे हो प्याज, उसमें से आपने इलायची जब वो भुन जाएगी उसको निकाल देना है, क्योंकि उसका टेस्ट आ गया है मसाले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर मैं चने ऐड करूंगी, बॉईल किए हुए वाइट चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अब इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करूंगी, साबुत आपने इसी तरीके से डालनी है। अब इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने टेस्ट के मुताबिक आप सॉल्ट इसके अंदर ऐड करें। लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स इसको बोलते हैं, ये ऐड करूंगी। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से इन सबको मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाह।
चढ़ा के इनको मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह, टमाटर पहले ऐड नहीं करने। इसके अंदर मैं जायफल जलबत्री का पाउडर ऐड करूंगी। जायफल जलबत्री और बादिया खटाई मैंने क्रश करके रखी हुई है। सदाफित का पाउडर भी मिल जाएगा आपको, मैं फ्रेश ही यूज करती हूँ। फ्रेश ला के उसको मैं पीस के कुछ रखती हूँ। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इसमें लहरा हमारे रहे हैं, पानी ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। ये देखें, इसको अब हम इसको जोश आने देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पानी को जोश आ चुका है इसका। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से हम हिला लेंगे। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरे पास 2 कप चावल थे तो मैंने इसके अंदर 4 कप पानी के डाले हैं। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। एक दफा इसको बस अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। पानी खुश्क होगा फिर हम इसको दम पे रख देंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए चावल हमारे दम पे रखने के लिए तैयार हैं। हम कवर कर देंगे और हल्की आंच के दम पर इसको रख देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको दम पे रहने देंगे। इसी पानी के अंदर चावल अच्छे से गल जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चावलों को दम आ चुका है, इसको हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब मैंने चावल दम पे रखे थे उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जर्दा रंग भी डाल दिया था। बिस्मिल्लाह, ये देखें बहुत मज़ेदार किस्म के हमारा चना पुलाव, चना देगी पुलाव हमारा तैयार है। ये आपके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें चावल कैसे एक एक दाना। तो फ्रेंड्स, आज की अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मिलूंगी। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।